फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ अपनी कटिंग की अपडेट भी दूंगी और साथ में उनकी फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी उनमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरा बालसम का प्लांट है जो अपने आप सीड से ही ग्रो हुआ था। आप देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसमें ब्लूमिंग चल रही है। और बिल्कुल इसके जो फूल होते हैं बिल्कुल गुलाब की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। देखिए बिल्कुल पेटल्स इतनी ज़्यादा मल्टी लेयर इसमें होती है, सिंगल और डबल और ट्रिपल लेयर कई सारी लेयर में आता है। ये लगभग फोर्थ या फिफ्थ लेयर में इसके फूल हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये तो अपने आप सीड से ही ग्रो हुए थे मेरे गार्डन में, मैंने इनको ग्रो भी नहीं किया है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट ग्रो हुए थे इस बार। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस गुड़हल में देखिए आप इसकी कलियाँ देखिए, और कल इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा पेस्ट अटैक भी हो गया। ये देखिए ये जो ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं और चींटियाँ भी हैं साथ में। मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने वाली थी लेकिन कल फिर से बारिश हो गई तो नहीं कर पाई। और देखिए अभी भी है तो इसमें करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अटैक करता है। और कल इसमें चार फ्लावर एक साथ खिलेंगे बहुत प्यारे से। यहाँ पर हमारा मिनेचर हिबिस्कस है, पारी जाता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है उसकी वजह से देखिए पत्तियाँ भी येलो हो जाती हैं और फिर बारिश भी हो जाती है उस कंडीशन में। मतलब क्लाइमेट चेंज होता रहता है, कभी एकदम से मौसम गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, तो पत्तियाँ येलो होती रहती हैं। यहाँ पर देखिए हिबिस्कस मैंने कुछ दिया नहीं इसको, सिर्फ मैंने पानी कम कर दिया है देना, कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दिया इसको, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। तो इसकी पत्तियाँ देखिए धीरे धीरे ग्रीन होने स्टार्ट हो गई, ये अपनी न्यू ग्रोथ करने लगा है। और यहाँ पर हमारे गुलाब में भी ढेर सारे फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ढेर सारे फूल आए हुए, पूरा फूलों से भरा हुआ है, इतने सारे फूल क्वांटिटी में आए हुए हैं। और इधर देखिए अलमंडा भी फूलों से भरा है पूरा, उधर चंपा, नाग चंपा, ये अलमंडा भी बहुत सारे फूल आए। पीछे साइड तो बहुत सारे फूल हैं, आपको वहाँ तक जा नहीं पाऊँगी नहीं तो दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे साइड पूरा फूलों से भरा है, बहुत सारे फूल आए हुए हैं। इधर हमारे बालसम है, ये कनेर है, बारिश की वजह से इनके फूल गिर जाते हैं। तो आज जो मैं आपको कटिंग से प्लांट दिखाने वाली हूँ, एक प्लांट तो है मेरा ये देखिए, ये टोरेनिया का कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, इसका कलर बहुत प्यारा है। बिल्कुल इसका एक प्लांट ही ग्रो हुआ था और वो ख़राब हो रहा था तो मैंने फिर उसकी कटिंग लगा दी थी। कटिंग लगाने के बाद देखिए कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ कर ली इसने, कितना ज़्यादा बुशी भी हो गया और इसका फ्लावर का कलर है बहुत प्यारा सा है। बाकी के फ्लावर जो थे वो पिंक कलर के थे, ये देखिए पर्पलिस सा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो फर्स्ट प्लांट तो हमारा टोरेनिया का हो गया, सेकेंड प्लांट हमारा हो गया जीनिया का, जो मैंने कुछ टाइम पहले लगभग एक महीने पहले ही इनकी कटिंग लगाई थी। और इसमें चार कटिंग मैंने चारों को एक साथ रिपोर्ट कर लिया है, देखिए इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये कटिंग भी मैंने लगाई थी, कटिंग से लगाया था, इसमें देखिए कितनी ढेर सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, जो इसका मदर प्लांट था वो तो देखने लायक भी नहीं था, उसको मैंने कंपोस्ट बिन में डाल दिया। अब अगर मैं कटिंग लगाऊंगी तो इन्हीं की कटिंग ले लेकर इस तरह से लगा दूंगी। यहाँ से टिप की कटिंग हमको लेनी होती है और वहाँ से आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए कितनी बड़ी कटिंग लेनी होती है आपको, आप सीजर या किसी कटर से कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरह की कटिंग आपको लेनी होती है, और आप चाहे तो कलियां हटा सकते हैं, नहीं हटाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। बस आपको इस तरह से कहीं भी किसी भी गमले में आप इसको लगा दीजिए, इसी में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये 15 दिन 20 दिन में ही ये कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है। मैं तो इसी तरह थर्ड फ्लोर पर धूप में ही इनको छोड़ देती थी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर कटिंग से हमारे जीनिया के प्लांट तैयार हो गए हैं। जो भी आपके पास वेराइटी हो आप उसकी कटिंग ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद ये देखिए हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस है जो मैंने लास्ट ईयर कटिंग से लगाया था, ये लास्ट ईयर की मतलब प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए सिंगल पेटल चांदनी है, एक महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, सिर्फ कटिंग ही लगी अभी, देखिए मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया है। इसके साथ ब्लीडिंग हार्ट की बहुत सारी कटिंग लगी है, अलमंडा की भी कटिंग लगी है, येलो अलमंडा जो है, और ये वाले में तो अभी फ्लावर नहीं आया है लेकिन जो दूसरी कटिंग लगाई थी उसमें 2 बार फूल खिल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमारा प्लांट चल गया है। इसके बाद देखिए हमारा मैरीगोल्ड है जो कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और मैंने इसमें भी लगभग काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करने लगा है और बहुत दिनों से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो कटिंग से लगा प्लांट बहुत ही हेल्दी और सुंदर होता है। साथ में मेरे जो टिकोमा के प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं उनमें भी फ्लावरिंग होती रहती है, आज तो फूल नहीं खिला है लेकिन इनमें भी खिलता रहता है फूल, जब कभी मतलब बाय चांस कभी कभी खिल जाता है इनमें फूल। परसों नरसों इसमें 2 फूल खिले हुए थे, अभी क्योंकि छोटे छोटे से प्लांट है तो इसमें कटिंग से भी मतलब ये खिलने लगा है, तो ये भी प्लांट मेरा खिलने लगा है। उसके बाद आपको दिखा दूं, ये देखिए मैंने लैंटाना की जो कटिंग लगाई थी, पिंक वाले में फ्लावरिंग होने लगी है और येलो वाले में भी होने लगी है। ये देखिए
ये मेरे अभी कटिंग से लगे हुए, कुछ टाइम में पहले मैंने प्रूनिंग की थी तो वही कटिंग लगा दी थी, और देखिए इनमें भी फूल आने लगे हैं। तो ये भी कटिंग से हमारे प्लांट खिलने लगे हैं, कटिंग से लगे हुए। तो बस यही कुछ प्लांट थे जो मेरे मतलब खिलने लगे हैं, और अभी हाइब्रिड हिबिस्कस में अभी फूल आना शुरू नहीं हुए हैं। कटिंग तो बहुत अच्छे से चल गई लेकिन उनमें खिलना भी शुरू नहीं हुए हैं, और जैसे ही उनमें खिलेंगे तो मैं उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या आपका बच्चा भी पढ़ने में कमजोर है? क्या आपका बच्चा भी पब्लिक स्पीकिंग से डरता है? क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को कम बजट में अच्छी शिक्षा देना लेकिन महंगे ट्यूशन फीस की वजह से नहीं दे पा रहे? तो आप टेंशन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, अब आ गए हैं आप सभी के लिए बीबी जूनियर। एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद भी जो देता है आपके बच्चे को अनलिमिटेड लर्निंग। इसमें आपके लिए 5000 से भी ज्यादा वीडियो कंटेंट है जिसमें केजी 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए और अपने बच्चे को बनाइए सुपर स्मार्ट। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो चाइनीज बालसम होता है मतलब कि इम्पेशन बोलते हैं, उसकी कटिंग लगाई थी, इसमें देखिए कलियां बन गई हैं, ये देखिए। पर देखिए मैंने पेंटास की कटिंग लगाई थी जो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, इनको मुझे रिपोर्ट भी करना है, अभी मैं रिपोर्ट कर लूँगी, किसी दिन आपके साथ जरूर शेयर करूँगी इसको, मैं रूट्स इसकी दिखा करके ही रिपोर्ट करूँगी। और एक बार इसमें फ्लावर खिल चुका है, दोबारा से देखिए फिर से कलियाँ बन गई हैं। इसी तरह ये हाइब्रिड भी, इनका इसमें भी कलियाँ आ गई थी, मतलब फूल खिलने लगे थे, लेकिन मैंने इसके ऊपर से अभी टॉप से यहाँ से पिंचिंग कर दी है ताकि और ज़्यादा घना हो जाए, क्योंकि कटिंग से लगा प्लांट फिर उतना ज़्यादा घना नहीं होता है अगर हम पिंचिंग नहीं करते हैं। तो वैसे तो पिंचिंग करने के लिए मतलब कि हमको इस तरह से देखिए ऊपर की टिप को हम पिंच कर देते हैं, बस यहाँ से भी दो ब्रांच निकलने वाली थी तो ये थोड़ा हाइट ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया कि नीचे से न्यू ब्रांच दो ब्रांच निकल रही हैं और इसके नीचे से भी दो ब्रांच निकलेंगी। तो इस तरह से हमारा प्लांट ये घना हो जाता है, मतलब कटिंग से लगा हुआ प्लांट को भी आप इस तरह से पिंच करके घना बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए पेंटास की कुछ कटिंग लगाई थी, इनमें भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और एक कटिंग देखिए यहाँ पर लगी है अभी अभी, इसके फ्लावर देखिए सूख कर ये ख़त्म हुए, ये देखिए अभी मैं इनको हटा देती हूँ क्योंकि खिल चुके हैं, और खिलने के बाद आप इनको हटा दीजिए इस तरह से सूखे हुए फूलों को, तो यहाँ पर न्यू ब्रांच निकलती है। अभी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, बहुत अच्छे से कटिंग हमारी ग्रो भी हो गई है। अब ये हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस, ये भी बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पे आने वाला है, आ जाएगा, यानी कि अभी तो कटिंग लगी हुई है, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो चुकी है, तो आप भी इस समय कटिंग लगा सकते हैं और बहुत जल्दी उनमें फूल पा सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर की टॉप लेयर होती है ना उसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।